चले आए आपको दिखाते हैं कॉकटेल्स की फार्मिंग कैसे की जाती है। तो आइए पहला पेयर आपको स्टार्ट करवाते हैं कि फार्मिंग कैसे करते हैं और अपने बेबीज़ को कैसे पालते हैं। देखते हैं कि इसमें कितने बेबीज़ हैं। ये माशाल्लाह इसकी बेबीज़ आप देखें, अच्छी हेल्थ और अच्छी कंडीशन में है और इनको अच्छी से खुराक भी दी जा रही है। और ये है इनके पेरेंट्स, ये सिल्वर में है, ये आइए चलते हैं यहाँ पे सेकंड पेयर पे। तो सेकंड पेयर हमारे पास है सिल्वर एंड फोम, मेल इसका सिल्वर में है और फीमेल जो है इसकी वो फोम कैटेगरी में है। तो ये चलते हैं इनके बच्चे देखने। तो यहाँ पे है इनके बेबीज और इन्होंने मिक्स पर्ल एंड सेकंड इज़ ग्रे में बच्चे निकाले हैं। ये चलते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन पे हमारे पास है पर्ल की फीमेल है और पाइड का मेल है। ये है एग्जीबिशन पाइड में। तो आपको इनकी भी बेबीज दिखाते चलते हैं। कुछ ज़्यादा एंग्री है ये। इनके बेबीज आप देखते जाएं, पर्ल और ग्रे में बेबीज हैं इनके। यहाँ पे है फोर्थ पेयर मेरा। यहाँ पे सिल्वर इसका मेल है और पर्ल में इसकी फीमेल है। इसने भी पर्ल में ज़्यादातर बच्चे निकाले हैं। फ्लावर पर्ल में है और सिंपल पर्ल में है। यहाँ पे चलते हैं थर्ड वन पे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन वाइट एंड चारकोल में पेयर लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंदर बैठा हुआ है तो उसने बेबी निकाला हुआ है इनो वाइट में। और सेकंड एग्स पे बैठे हुए हैं वापस। यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास सबसे मेरा ओल्ड पेयर है। इसका मेल सिल्वर में है एंड फीमेल जो इसकी फोम में है, इनमें भी बेबीज निकाले हुए हैं। तो आपको इनके बेबीज भी दिखाते हैं। यहाँ पे इसके बेबीज नज़र आ रहे हैं। तो ये चलते हैं, इसको भी बंद करते हैं और लास्ट वन पे। लास्ट वन हमारे पास इनो वाइट पेपर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनो वाइट ब्रीडिंग के लिए एग्स पे बैठा हुआ है।